नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा और डिस्कवर प्लस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्यार भरे कमेंट्स का और बाकी जो आप हमारे चैनल के बारे में लिखते हैं। आज हम आपको एक फिर एक बहुत ही बेहतरीन जगह की सैर कराने जा रहे हैं। उस जगह का नाम है गुलमर्ग, जिसे धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग एक छोटी सी वैली है जो श्रीनगर से 49 किलोमीटर की दूरी पर है और बारामूला से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलमर्ग एक कप शेप वैली है जो पीर पंजाल रेंजेस में है हिमालय के, और इसका अल्टीट्यूड 2650 मीटर यानी 8694 फीट के करीब है। गुलमर्ग का अर्थ उर्दू में गुल यानी फूल और मार्ग मीन्स मेडोस यानी फूलों की मेडोस है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा रहता है साल भर, और गुलमर्ग अपनी स्नो वैलीज के लिए, स्कीइंग के लिए फेमस है। गुलमर्ग एक बहुत ही बढ़िया विजिटिंग के लिए स्टेशन है, समर में भी क्योंकि ये लश ग्रीन होता है, और विंटर में भी क्योंकि ये बर्फ से फुल होता है। CNN के मुताबिक गुलमर्ग जो है हार्टलैंड है विंटर स्पोर्ट्स का इंडिया में, 7th बेस्ट स्काई डेस्टिनेशन है एशिया का। इसको श्रीनगर से बाय रोड से पहुंचा जा सकता है, और श्रीनगर तक भारत के किसी भी हिस्से से आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, टोबोगैंगिंग, स्नोबोर्डिंग वगैरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब हम गुलमर्ग की हिस्ट्री की बात करते हैं। यूसुफ शाह चक जो कश्मीर के राजा थे, 1579 से लेके 1586 तक ज़्यादातर यहाँ आते रहते थे, तो उन्होंने अपनी क्वीन हबूबा खातून के नाम पे ये गुलमर्ग मेडो ऑफ फ्लावर्स बनाया। जहांगीर ने यहाँ पे 21 तरह की डिफरेंट फ्लावर्स की वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई और इसको एक गार्डन के तौर पर डेवलप किया। 19 सेंचुरीज में ब्रिटिशर जब यहाँ आ गए तो उन्होंने अपना इसको एक समर रिट्रीट कैंप बनाया, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत गर्मी थी। विभाजन के बाद ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा बना, और जब रेडर्स आए तो उस टाइम में वो कश्मीर को भी इन्होंने रेडर्स ने अटैक किया, और गुलमर्ग उनके कब्जे में आ गया जो पीर पंजाल से रेडर्स आए थे। हालांकि बाद में भारतीय फौज ने, फर्स्ट सिख ने इसको खाली करा लिया, और उसके बाद ये भारत का हिस्सा बन गया, और ये अब एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट रिसॉर्ट है। ১৯৬০ के बाद से यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट शुरू हुई। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग और माउंटेनिंग बना, और भारतीय सेना ने यहाँ पे जो अपना हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी यहाँ पे खोला, जिसके कारण सेना की कुछ टुकड़ियाँ हमेशा यहाँ पे तैनात रहती हैं। बड़ा पीसफुल एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है अगर आप विजिट करना चाहें तो। यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। अब हम आपको बताते हैं यहाँ के कुछ खास अट्रैक्शन। यहाँ पे एक गंडोला है जो स्टेज 1 और 2 है, और आपको तकरीबन 4000 मीटर एग्जैक्टली 3989 मीटर की हाइट तक 2 स्टेज की रोप पे ले जा सकता है, और वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और उसके बाद में एक रावत पीक है 4200 मीटर पे भी, जहाँ पे स्कीइंग वगैरह के लिए जाया जा सकता है। स्कीइंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पे एक इग्लो कैफ़े एंड इग्लो रेस्टोरेंट है जो फरवरी 22 में खुला, और ये सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। ये इसकी हाइट 37 फीट है और डायमीटर 44 फीट है। 40 लोग इसमें बैठ सकते हैं एट ए टाइम,
और इसे ग्लास रेस्टोरेंट के तौर पे भी डेवलप किया गया है। महारानी टेंपल, महारानी टेंपल शिवा टेंपल है गुलमर्ग में। ये बनाया गया था हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह फॉर हिज वाइफ मोहिनी बाई सिसोदिया ने 1915 में। ये डोगरा किंग्स की प्राइसली पोजीशन है और ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड टू शिवा एंड पार्वती है। यहाँ पे एक बहुत पुराना सेंट मैरी चर्च, ये एक यहाँ का बहुत पुराना चर्च है, 1902 में बनाया गया था। बीच में ये काफ़ी देर बंद रहा पर अब ये दोबारा इसे खोल दिया गया, तकरीबन 2003 में से दोबारा खोला गया। 14 साल यहाँ पे कोई सर्विस नहीं हुई और 2003 में यहाँ से दोबारा सर्विस शुरू हुई है। तो दोस्तों ये थी गुलमर्ग के बारे में कुछ बातें। बहुत बढ़िया और अद्भुत जगह है, घूमने वाली है, बेफिक्र होकर आप जाइए, घूमिए और देखिए लीजिए गुलमर्ग के नज़ारे। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।